सोचो कि आप जीसस के बाद इस दुनिया में दूसरे ऐसे आदमी हो जो कि अपने पहले नाम से फेमस है। द किंग ऑफ रॉक एंड रोल, 27 साल की उम्र में 60 डायमंड स्टडेड लिमोजींस और 2 प्राइवेट जेट्स, सेल्फ अर्न 1,000 मिलियन डॉलर्स। और फिर एक दिन आप 40 स्लीपिंग पिल्स खाकर सोते हो और कभी नहीं उठते। ये कहानी है फेमस सिंगर एल्विस प्रेस्ली की, जो कि 42 इयर्स की एज में खुदकुशी कर लेते हैं। 17 मई 2017, क्रिस कॉर्नेल, उनके डेट्रॉयट होटल रूम के अंदर उनकी डेड बॉडी मिलती है, और उन्होंने इससे पहले ओपनली आकर अपने डिप्रेशन के बारे में बात करी थी। 20 अप्रैल 2018, 28 साल के एविची इस दुनिया से चले जाते हैं, और उनके पेरेंट्स का ये कहना था, ही हेटेड द बिजनेस ही फाउंड हिमसेल्फ इन। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आपका फेवरेट सिंगर या फिर आपका फेवरेट म्यूजिक बैंड एक हाइपर सेंसिटिव लाइफस्टाइल जी रहा है, जहां पर उनकी बॉडी, उनका टाइम और इवन उनके बनाए गए गाने तक पर उनका कंट्रोल नहीं है, और वो एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां पर उनको एक ही रास्ता दिखता है, या तो सुसाइड कर लो या फिर अर्ली रिटायरमेंट ले लो। सितंबर 2020 में कान्ये वेस्ट एक ट्वीट करते हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपना ग्रैमी अवार्ड टॉयलेट के अंदर फेंका हुआ है, और वो ये कहते हैं कि इन अवार्ड्स का कोई भी मतलब नहीं है अगर आप आर्टिस्ट को एज आर्टिस्ट नहीं बल्कि स्लेव ट्रीट करोगे। तो कान्ये रॉकफेलर नाम के एक लेबल के साथ काम करते थे, और उनके बनाए स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट से वो इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि एक दिन जाकर उन्होंने अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पब्लिक कर दिए, और उस समय लोगों के सामने आई इस इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी डार्क साइड। और अगर मैं बात करूं बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री की, तो हालत इससे भी ज्यादा खराब है। अरमान मलिक बियर बाइसेप्स के एक इंटरव्यू के अंदर बोलते हैं कि हम सिंगर्स को प्लेबैक सिंगिंग करने के लिए कोई पैसे दिए ही नहीं जाते। अगर वो गाना फेमस हो जाए तो आप शोज से कमा सकते हो, लेकिन आपको प्लेबैक सिंगिंग करने के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। Singers in India earn money through live shows, live concerts. Their main money comes from that. We would love if we would earn money from the sales of songs, but we don't. That happens in the West. It happens in the West. बहुत बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट को अपने कॉन्सर्ट के अंदर परफॉर्म करने के लिए ड्रग्स का यूज करना पड़ता है, क्योंकि वो इतने ज्यादा थके हुए होते हैं, इतने फटीग्ड होते हैं कि वो लोग परफॉर्म कर ही नहीं पाते अगर वो इन चीजों को यूज ना करें तो। और वहीं पर अगर कोई इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बहुत ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उसको मरवा दिया जाता है। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि अगर इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं तो फिर ये सारे के सारे आर्टिस्ट इन लेवल्स के साथ काम क्यों करते हैं। वेल, इस चीज को समझने के लिए आपका इन तीन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 कि आखिर म्यूजिक इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। नंबर 2 कि आखिर इन आर्टिस्ट के साथ ये लेबल्स स्कैम करते कैसे हैं। एंड 3rd एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि आखिर इस इंडस्ट्री की वो कौन सी भयानक साइड है जो हम सब लोगों से छुपाई जाती है। सो इन द वेरी फर्स्ट प्लेस हम पहले ये समझते हैं कि ये जो म्यूजिक लेबल्स हैं ये लोग आर्टिस्ट को पैसे देते कैसे हैं, और देते भी हैं या नहीं। 1980s म्यूजिक इंडस्ट्री का वो दौर था जहां पर काफी सारे आर्टिस्ट उभर कर आए, और ये इन लेबल्स के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी। उन दिनों हर तरीके का म्यूजिक, चाहे वो फोक हो, हिप हॉप हो या हार्ड रॉक हो, हर तरीके की म्यूजिक के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स थे, और उस जमाने में हर एक आर्टिस्ट की लाइफ भी काफी ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। उन दिनों किसी आर्टिस्ट को एक लेबल रिकॉर्ड डील मिल जाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। उस टाइम पर लेबल्स अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को अप्रोच करते थे और उनसे डील साइन करवा लेते थे, और उसके बाद उस आर्टिस्ट के करे गए शोज, एल्बम्स, हर एक चीज से जो लेबल्स थे वो 85% तक का रेवेन्यू अर्न करते थे, और बाकी का 15% रेवेन्यू उस आर्टिस्ट को चला जाता था। उस टाइम पर ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उन दिनों किसी आर्टिस्ट के लिए लाखों लोगों तक अपना म्यूजिक पहुंचाना पॉसिबल नहीं हुआ करता था, लेकिन वो रीच इन लेबल्स के पास हुआ करती थी। और इसके साथ साथ जितने भी आर्टिस्ट होते थे उनकी सारी ड्रेसिंग से लेकर, उनके शोज अरेंजमेंट से लेकर, उनकी पीआर से लेकर, हर एक चीज ये रिकॉर्ड लेबल्स उनको करके देते थे। और इसके अलावा अगर वो आर्टिस्ट किसी भी तरीके के ब्रांड एंडोर्समेंट्स करता है तो उसका सारा पैसा उस आर्टिस्ट को रखने के लिए मिल जाता था। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हुआ 1999 के बाद, The Age of Internet। 1999 में शीन पार्कर नैपस्टर नाम की एक वेबसाइट शुरू करते हैं, और उस जमाने में जहां पर लोगों को म्यूजिक सुनने के लिए रेडियो सुनना पड़ता था, टीवी शोज देखने पड़ते थे या फिर रिकॉर्ड लेबल्स को परचेज करना पड़ता था, वहीं पर नैपस्टर आने के बाद लोग अब इसी म्यूजिक को फ्री में एक्सेस करने लगे। लेकिन अफसोस, नैपस्टर के ऊपर बहुत सारे लॉसूट्स फाइल करे गए, और 2001 में मजबूरन शीन पार्कर को नैपस्टर को बंद करना पड़ा। बट यू नो व्हाट, उसके कुछ ही सालों बाद यूट्यूब, स्पॉटिफाई और साउंडक्लाउड जैसी वेबसाइट्स आ गई, जो कि विद परमिशन इन सारे के सारे गानों को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रीम करने लगे, जिसका सबसे ज्यादा फायदा इन आर्टिस्ट को होता था और इन प्लेटफॉर्म्स को होता था, लेकिन रिकॉर्ड लेबल्स के हाथ में कुछ भी नहीं आता था। और ये वो जगह थी जहां से हर एक रिकॉर्ड लेबल को बहुत बड़ा झटका लगा, और इस चीज से लड़ने के लिए रिकॉर्ड लेबल्स ने इंट्रोड्यूस करी मास्टर डील्स। लेकिन मास्टर डील्स आने से पहले म्यूजिक इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा दिखता था। सो जब भी कोई सॉन्ग बनता है उसके मेजरली ये दो कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 कंपोजिशन एंड नंबर 2 साउंड रिकॉर्डिंग।
जो कॉम्पोजिशन है वो राइटर और पब्लिशर मिलकर करते हैं, यानी कि जिस इंसान ने उसको लिखा है और दूसरा बंदा पब्लिशर जो कि उस पूरे गाने की कॉम्पोजिशन तैयार करता है, यानी कि जो कंपोज करता है। सो उस जमाने में एक राइटर एक गाने को लिखता था और पब्लिशर उसकी कॉम्पोजिशन तैयार करता था, गाना कंपोज होता था और फाइनली एक आर्टिस्ट उस गाने को गाता था और जो रिकॉर्ड लेबल्स हैं वो उस गाने को रिकॉर्ड करके आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देते थे, जिनका काम ये होता था कि वो इस पूरे की पूरी चेन के अंदर जितनी भी जगहों पर वो गाना जाना है उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन संभाले। जैसे कि वो गाना रेडियोज के ऊपर जाता था, थिएटर्स में जाता था, टीवीज के ऊपर चलाया जाता था और इसके साथ साथ उस गाने की सीडीज बेची जाती थी। एंड फाइनली जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना कट हटाकर प्रॉफिट का 85% लेबल्स को दे देते थे और बाकी बचा हुआ परसेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था आर्टिस्ट, राइटर्स और पब्लिशर्स के बीच में। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के आते ही जहां पर एक टाइम पे जो आर्टिस्ट थे वो अपनी सीडी सेल करके 85% का रेवेन्यू जनरेट करके दे देते थे लेबल्स को, वहीं पर अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के चलते 75% तक का रेवेन्यू इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मिलने लगा और बाकी का बचा हुआ 25% रेवेन्यू इन सारे आर्टिस्ट की जेब में जाने लगा, जो कि इन आर्टिस्ट के लिए बहुत ही अच्छी चीज थी और ये चीज लेबल से देखी नहीं गई। सो बेसिकली जहां पर ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स 85% रेवेन्यू लेबल्स के साथ शेयर करते थे, अब लेबल्स के साथ सिर्फ सीडी सेल होने का रेवेन्यू ही शेयर होने लगा और बाकी बचा हुआ रेवेन्यू जैसे कि स्पॉटिफाई के ऊपर अगर चला दिया गाना तो टैपस्टर पे डाल रखा है, यूट्यूब पे डाल रखा है, गाना पे डाल रखा है, एप्पल म्यूजिक पे डाल रखा है, इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था उसका 75% ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स रख लेते थे और बाकी बचा हुआ 25% पूरा का पूरा आर्टिस्ट ले लेते थे। और इसी चीज को देखते हुए लेबल्स ने मास्टर डील्स को इंट्रोड्यूस किया और ये वो जगह थी जहां से हर एक आर्टिस्ट की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सोचो कि आप एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हो और आपके सामने कोई $5,00,000 रख दे तो आप क्या करोगे? और सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी एल्बम्स, आपके टूर्स, आपकी पीआर मार्केटिंग, हर एक चीज का खर्चा वो इंसान उठाए, तो क्या आप ऐसी डील को मना कर पाओगे? अर्ली 2000s में रिकॉर्ड लेबल्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। आर्टिस्ट तो पैसे कमा रहे थे क्योंकि अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो आ चुके थे, लेकिन रिकॉर्ड लेबल्स पैसे नहीं कमा रहे थे और ये वो जगह थी जहां पर कुछ बदलने की जरूरत थी। सो अकॉर्डिंग टू मास्टर डील्स, एक गाने के बनने से लेकर उसके पब्लिशिंग राइट्स तक हर एक चीज लेबल कंट्रोल करती है, विच टेक्निकली मीन्स कि आर्टिस्ट का गाया हुआ गाना कहां पर प्ले होगा, कब प्ले होगा, कितनी बार प्ले होगा और कहां पर प्ले नहीं होगा, ये सारी चीजें लेबल कंट्रोल करेगी। यानी कि आपका गाया हुआ गाना आपका रहता ही नहीं है, आप जहां पर भी उस म्यूजिक को परफॉर्म करोगे वहां से जो भी व्यूज आएंगे, या फिर आप टीवी शोज कर रहे हो या फिर आप जाकर लाइव कॉन्सर्ट्स कर रहे हो, हर एक चीज में से एक बहुत मोटा शेयर आपका रिकॉर्ड लेबल रख लेगा। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि अगर ऐसा है तो फिर ये सारे के सारे आर्टिस्ट इन रिकॉर्ड लेबल्स के जाल में आखिर कैसे फंस जाते हैं? वेल, इस चीज को इतनी स्मार्टली करा जाता है कि ज्यादातर आर्टिस्ट को पता ही नहीं लगता। आर्टिस्ट को मास्टर डील्स कुछ इस तरीके से पिच करी जाती है कि आप एक इमर्जिंग आर्टिस्ट हो और हमारा ही लेबल है जो आपको मिलियनेयर या बिलियनेयर बना सकता है। आर्टिस्ट को और क्या चाहिए? आर्टिस्ट डील साइन करता है एंड दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स टू गेट डर्टी। मास्टर डील साइन होने के बाद एक आर्टिस्ट को रिकॉर्ड लेबल्स कुछ इस तरीके से पे करते हैं। एक आर्टिस्ट एक एल्बम रिकॉर्ड करता है, उसके बाद मान लो कि उस एल्बम की काफी सारी सीडी कॉपीज बेची गई जिससे 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। उसके बाद वो गाना स्पॉटिफाई और बहुत सारे अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर चलाया गया जहां से 2 करोड़ रुपए और जनरेट हुए एंड फाइनली कुछ शोज करके 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और जनरेट हुआ। टोटल हो जाता है 4 करोड़ रुपए। बट यू नो व्हाट, एट द एंड ऑफ द डे 4 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने के बावजूद भी वो आर्टिस्ट 40,00,000 रुपए के कर्जे में आ जाता है। आई शो यू हाउ। इवन बहुत सारी मास्टर डील्स के अकॉर्डिंग आर्टिस्ट को ये कहा जाता है कि 85% का जो अमाउंट है वो हमारे लेबल्स रखेंगे और बाकी का 15% अमाउंट पूरा का पूरा आपके हाथ में आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे एक एल्बम से रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होता है, उसके बाद ये लेबल्स आर्टिस्ट के कमाए गए पैसों में से ये कुछ खर्चे हैं जो कि डिडक्ट करते हैं। 4 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हुआ, उसमें से लेबल्स ने रिकॉर्डिंग का 20,00,000 रुपए आर्टिस्ट की जेब से काट लिया। फिर क्योंकि लेबल्स ही प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं तो 30,00,000 रुपए और काट लिए। उसके बाद उस गाने की वीडियो भी तो शूट हुई है तो 20,00,000 रुपीज उसके डिडक्ट कर लिए। एंड फाइनली उस आर्टिस्ट को इतना सारा टूरिंग वगैरह ये सारी चीजें भी तो करवाई है तो उसके 30,00,000 रुपए और काट लिए। इन टोटल जो टोटल आर्टिस्ट का बिल बनता है लेबल के ऊपर वो बन जाता है 1 करोड़ रुपए का। और आर्टिस्ट ने कमाए कितने? 4 करोड़ रुपए में से 15%, यानी कि 60,00,000 रुपए। सो टेक्निकली एक आर्टिस्ट 4 करोड़ का रेवेन्यू करने के बावजूद भी 40,00,000 रुपए के कर्जे में डूब जाता है। और ये चीज यहीं पर खत्म नहीं होती। अब उस आर्टिस्ट के ऊपर 40,00,000 रुपए का कर्जा है जिसको चुकाने के लिए वो उसी रिकॉर्ड लेबल के साथ एक और एल्बम बनाता है। उस एल्बम को बनाने के बाद उस पर और कर्जा चढ़ जाता है और ये चीज चलती ही जाती है। एक एल्बम, 2 एल्बम, 3 एल्बम,
एंड इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। काफी सारे ऐसे फेमस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने लेबल्स के करे गए इन स्कैम्स के बारे में ओपनली आकर बात करी है। टीएलसी ग्रुप जो कि एक बहुत ही फेमस ग्रुप है, इतना ज्यादा नाम और इतने सारे गाने होने के बावजूद दे आर ब्रोक, दे आर बैंकक्रप्ट, जो लेके आता है हमें म्यूजिक इंडस्ट्री की उस भयानक साइड की तरफ जो आपसे और मेरे से आज तक छुपाई जाती है। हम में से बहुत ही कम लोगों को ये मालूम है कि फेमस सिंगर कान्ये वेस्ट ने अपनी लाइफ में इस इंडस्ट्री के अंदर आखिर क्या क्या देखा है, एक ऐसी जर्नी जिसने उन्हें एक रैपर से एक बिलियनर बना दिया। बट यू नो वॉट, इंटरेस्टिंगली आप ये सारी की सारी कहानी सिर्फ एक घंटे में जान सकते हो। लेकिन कैसे? वेल, फ्रॉम अ रैपर टू अ बिलियनेयर, इस बुक को पढ़कर। और अगर आपको टाइम और पैसा दोनों बचाना है तो आप इस बुक की समरी आसान हिंदी भाषा में कुकू एफएम के ऐप के ऊपर भी सुन सकते हो, जिस चीज के चलते आपको ऐसी कई सारी चीजें इस म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में मालूम पड़ेंगी जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। एंड एज यू नो, मेरा कूपन कोड आदि50 जिससे आपको अपने कुकू एफएम का साल भर का सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर मिल सकता है, वो सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड होता है। कुकू एफएम का लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है। लिमिटेड ऑफर है, चॉइस आपकी है। हमारी वर्ल्ड की फेमस केपॉप इंडस्ट्री जिसके न जाने कितने फैंस हैं, वो एक टैलेंट शो चलाते हैं। और पता है इस टैलेंट शो की एक्चुअल रियलिटी क्या है? और ये सेम चीज इंडियन टीवी शोज के साथ भी करी जाती है। रिकॉर्ड लेबल्स बच्चों का एक कॉन्टेस्ट अरेंज करवाते हैं जिसके अंदर 100 में से सिर्फ 5 या 6 बच्चों को ही फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन इस पूरे कॉन्टेस्ट के दौरान उन 100 बच्चों की जितनी भी ट्रेनिंग है, जितना भी उनका सारा का सारा खर्चा है, वो सब का सब ये रिकॉर्ड लेबल्स भरते हैं। एंड क्योंकि इस कॉन्टेस्ट की ट्रेनिंग के दौरान सारे के सारे पैसे इन रिकॉर्ड लेबल्स ने खर्चे होते हैं, सो टेक्निकली ये सारे के सारे बच्चे आर इन डेट। और इस डेट को चुकाने के लिए वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं ताकि वो इस सारे के सारे लोन को जल्दी से जल्दी चुका पाए, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि अब वो इसमें हमेशा के लिए फंस चुके हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जहां पर राइटर्स जिन्होंने एक्चुअली में एक गाने को लिखा होता है, उनको ना तो फेम मिलता है और ना ही उस गाने को लिखने के पैसे मिलते हैं। मुन्नी बदनाम, इस गाने ने 100 करोड़ रुपए से भी ऊपर का रेवेन्यू किया था। बट यू नो वॉट, ललित पंडित जिन्होंने इस गाने को कंपोज किया था, उन्हें इस गाने के लिए कोई पैसे दिए ही नहीं गए। इनफैक्ट आप में से शायद किसी को ललित पंडित का नाम पता भी नहीं होगा, फिर भी तुमको चाहूंगा। आज हम सब लोग अरिजीत सिंह और मिथुन की वजह से इस गाने को जानते हैं, लेकिन मनोज मुंताशिर जिन्होंने एक्चुअली में ये गाना लिखा था, उनको ना तो कोई जानता है और ना ही उनको इस गाने के लिए पैसे दिए गए। आई कैन गारंटी, घर से दूर और इल्जाम, आप में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बादशाह के ये दो गाने सुने होंगे। क्यों? क्योंकि ये उनके इंडिपेंडेंट प्रोड्यूस सॉन्ग्स हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ पानी पानी और जुगनू, ये गाना ऑलमोस्ट हम में से सबने सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये लेबल्स के बनाए गए सॉन्ग है। दिस इज द पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और इसीलिए मजबूरन इन आर्टिस्ट को लेबल्स के साथ ही काम करना पड़ता है, क्योंकि आर्टिस्ट की इंडिविजुअली इतनी रीच ही नहीं होती कि वो लाखों करोड़ों लोगों तक अपना गाना पहुंचा पाए। रफ्तार वर्सेस एमिवे वाली कॉन्ट्रोवर्सी में भी रफ्तार ने एक ही बात बोली थी कि जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, वो लोग उतने पैसे नहीं कमा पाते, इसीलिए लेबल आर्टिस्ट होना एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने से बेटर है, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी कॉन्ट्रोवर्सी और बीफ चालू हो गया था। एंड यू नो व्हाट, रफ्तार वाज राइट, क्योंकि इंडिया के अंदर और इनफैक्ट पूरी दुनिया में जो म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर रॉयल्टी कलेक्शन का गेम है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। सो पहले के टाइम पे ये तीन चीजें होती थी। नंबर वन, कंपोजिशन परफॉर्मिंग राइट्स, जिसके अंदर उस पर्टिकुलर गाने के राइटर को और कंपोजर को अच्छी खासी रॉयल्टी पे करी जाती थी। सेकेंडली, मैकेनिकल लाइसेंस, यानी कि उस गाने को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो लाइसेंस था वो इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होता था, ताकि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स उसके रिकॉर्ड लेबल्स यानी कि सीडीज बनवा कर बेच पाए और रेडियोज और टीवी शोज पर उस गाने को चलवा पाए। वहीं पर जो लास्ट होता था वो होता था साउंड रिकॉर्डिंग, जिसका सारा का सारा कंट्रोल ये रिकॉर्ड लेबल्स रखते थे। सो बेसिकली रिकॉर्ड लेबल्स इस काम को बनाकर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को देते थे, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लाखों लोगों तक गाने को पहुंचा पाए। और उस टाइम पर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे ये फेयरली कंपोजर्स को भी पैसा ढंग से दे देते थे और जो रिकॉर्ड लेबल्स थे उनके पैसे भी सही से दे देते थे। लेकिन विद टाइम रिकॉर्ड लेबल्स ने इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को गेम से ही बाहर कर दिया। धीरे धीरे इन सारे के सारे रिकॉर्ड लेबल्स ने अपना एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया और साथ साथ मास्टर डील्स भी साइन करवाई। तो अब आर्टिस्ट के गाने बनाने से लेकर आर्टिस्ट के गाने डिस्ट्रीब्यूट होने तक हर चीज रिकॉर्ड लेबल्स कंट्रोल करने लगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टी सीरीज का यूट्यूब चैनल, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। और एक बहुत ही पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड होते ही इन रिकॉर्ड लेबल्स ने जो राइटर्स और कंपोजर्स है उनको भी पैसे देना बंद कर दिया और आर्टिस्ट को भी पैसे देना बंद कर दिया।
और मजबूरन आज की डेट में एक आर्टिस्ट गाना गाकर कोई पैसे नहीं कमाते, वो जो पैसे कमाते हैं वो टीवी शोज से, इवेंट शोज से, अपने जो उनके लाइव परफॉर्मेंसेज होती हैं उनसे, इसके अलावा मर्चेंडाइज बेचकर और थोड़ा बहुत ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से कमाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि रिकॉर्ड लेबल्स एक म्यूजिक लॉन्च से पहले उस गाने की अच्छी खासी हाइप क्रिएट करते हैं, एंड यू नो वॉट, उसको करने के लिए भी वो उस आर्टिस्ट का ही यूज करते हैं, सॉप स्टोरीज बनाकर उस आर्टिस्ट के बारे में या तो कोई रूमर फैला देंगे या फिर उस आर्टिस्ट को जानबूझकर किसी और आर्टिस्ट के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कह देंगे ताकि न्यूज बने, हाइप बने और गाना ज्यादा चले। और आजकल क्योंकि ट्रेंड बदल गया है तो दो आर्टिस्ट के बीच में एक बीफ छिड़वा देते हैं जिसमें दो आर्टिस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट डिस्ट्रैक्ट बनाते हैं, पब्लिक को लगता है कि ये दो आर्टिस्ट आपस में लड़ रहे हैं। वेल इन रियलिटी ये सारा का सारा गेम या तो लेबल्स खेल रहे होते हैं या फिर आर्टिस्ट आपस में कोलैब करके खेल रहे होते हैं। इन दी एंड इसका जो रिजल्ट है वो ये निकलता है कि दोनों आर्टिस्ट के जो फैंस हैं ना वो एट दी एंड टॉक्सिक बन जाते हैं, दैट्स ऑल। बट यू नो वॉट, म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा खौफनाक रियलिटी है इन्वॉल्वमेंट ऑफ माफियाज। अगर हम बात करें 80s और 90s की तो उस टाइम पर म्यूजिक इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री हर जगह पर दाऊद इब्राहिम का हाथ था, एंड इनफैक्ट टी सीरीज के फाउंडर मिस्टर गुलशन कुमार की डेथ भी कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम से ही जाकर लिंक होती है। वेल सच क्या है ये किसी को नहीं मालूम। म्यूजिक इंडस्ट्री बाहर से देखने में जितनी अच्छी लगती है ये इंडस्ट्री अंदर से उतनी ही ज्यादा खराब है, और इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि जितना पैसा आपको आर्टिस्ट के म्यूजिक वीडियोस के अंदर दिखता है कि यार ये आर्टिस्ट तो ऐसा जी रहा है, इस आर्टिस्ट के पास तो ये लाइफस्टाइल है, इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट ब्रोक हैं, वो बैंकरप्ट हैं। ज़्यादातर आर्टिस्ट के पास उतना पैसा है ही नहीं जितना पैसा उनकी म्यूजिक वीडियोस में दिखाया जाता है, वो सारा पैसा अधिकतर लेबल्स का पैसा होता है, और वो भी एक मार्केटिंग करने का तरीका है ताकि आप उस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हाइप हो और लेबल ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। और हाँ, अगर कैनी वेस्ट की एक्चुअल लाइफ स्टोरी जाननी है ना तो फ्रॉम अ रैपर टू अ बिलियनेयर कुकू एफएम के ऊपर ये ऑडियो बुक जरूर से चेकआउट करना, लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है। बट यू नो वॉट, ये तो कुछ भी नहीं है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा डार्क है, और जाने अनजाने में आप और मैं हर कोई इस इंडस्ट्री का शिकार है। व्लॉग्स, अगर आप व्लॉग्स देखते हो तो लेट मी टेल यू, व्लॉगर्स आपके साथ सबकॉन्शियसली कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। लेकिन कैसे? वेल, अगर ये जानना है ना तो ये राइट वाली वीडियो जरूर से देखना।